धार में शराब माफिया ने हद कर दी। मामला जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि कानून का रत्ती भर डर माफियाओं को नहीं रह गया है। दरअसल शराब से भरे अवैध ट्रक को पकड़ने गए एसडीएम और नायाब तहसीलदार पर माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। कुक्षी में पेश आई इस वारदात से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक कुक्षी से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पलासी ढोलिया से होता हुआ शराब से भरा हुआ ट्रक अलीराजपुर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसडीएम नवजीवन विजय पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े ट्रक का पीछा करने लगे। ग्राम पलासी स्थित ढाबे पर जब ट्रक रोका गया तो फिल्मी स्टाइल से ये वाकया हुआ। ट्रक के पीछे आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोगों ने मौके पर एसडीएम को पीट डाला और नायब तहसीलदार को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। इस दौरान माफिया ने फायरिंग भी की। हाँ, ये शराब की अभी गिनती करवाई गई थी। कुल 855 पेटी मदिरा जब्त हुई है। इसमें गोवा है, बॉम्बे स्पेशल है, लंदन प्राइड है और लंदन प्राइड वोदका। तो ये चार प्रकार की शराब अभी जब्त हुई है और ये इनके बेच नंबर और इसके आधार पे हम विवेचना कर रहे हैं कि ये किस डिस्टिलरी से निकली है और किस दुकान तक प्रेषित की गई थी और उस दुकान कौन सी दुकान पर की गई थी, इसकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है। सर, लगभग शराब की कीमत कितनी बताई जा रही है? करीब 50-55 लाख के आसपास है। सर, कितने लोगों के नाम सामने, एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, वो अभी मैं बता नहीं सकता, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रही है। सर, प्रकरण दर्ज हुआ भी नहीं हुआ? प्रकरण दर्ज भी पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है, तो उस मामले में जो है आपको पुलिस बता पाएगी। सर, सुखराम की क्या भूमिका सामने आ रही सर, जो नहीं, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी इसके संबंध मेरी अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। सर, कुछ अधिकारी पर हमला भी हुआ है, एसडीएम साहब की गाड़ी फोड़ दी गई सर? जी हाँ, ये बहुत गंभीर घटना है और इसमें जो है पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं सर? नहीं, घायल होने की या ऐसा कुछ नहीं, मारपीट की सूचना है, अदरवाइज अभी और मेरे स्तर पर जो कार्रवाई की जानी थी वो की जा रही है। सर, फायरिंग की सूचना भी आई थी सर? नहीं, ये ऐसी कोई सूचना मेरे जानकारी में नहीं है। कुल कितने आरोपी थे और कितने पकड़ में और कितने फरार हैं? नहीं, ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें। अधिकारियों पर हुए हमले की सूचना मिलते ही एसडीओपी थाना प्रभारी सीबी सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। शराब से भरे ट्रक MP69H0112 को कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी दबोचा है। नायब तहसीलदार को भी आरोपियों से छुड़वाया है। इस वारदात के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि माफिया इतना बेखौफ हो गया है कि उसे किसी का डर नहीं रह गया है। किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले माफिया एक पल नहीं सोचता है। पंजाब केसरी के लिए धार से संजय की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।